हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस गेमर। तो भाई लोग कैसे हो? भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों में से कोई हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लाइव पुशिंग करने वाले हैं स्पाइक से, तो मैप देख लेते हैं एक बार। तो मैप है शोडाउन सर्वाइव दी रहना रॉयल रन अवे। तो इस मैप में लॉन्ग रेंज ब्रॉलर के लिए है, तो स्पाइक भी अच्छा ही है क्योंकि ये भी अच्छा खासा चल जाएगा इस मैप में जहाँ तक मुझे लगता है। तो 10 मेंबर्स फाउंड हो गए हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम सामने एक एनर्जी क्यूब के पीछे जाएंगे जहाँ डेरियल है, तो डेरियल से थोड़ा बच के रहेंगे क्योंकि वो हमारे पर पुश कर सकता है। तो डेरियल तो चला गया है पर उसका एबिलिटी आने पर वो हमारे पर पुश कर सकता है, तो यहाँ से हम जल्दी निकल देंगे। तो देख सकते हैं ये स्पाइक कितना बेस्ट रोलर है। थोड़ा लैगिंग हो रहा है नेट इशू की वजह से। तो 8 ब्रॉलर लेफ्ट हैं और थोड़ा हम हाइड रहते हैं कुछ देर तक जब तक ब्रॉलर मर ना जाए कुछ। तो 5 ब्रॉलर जब तक लेफ्ट नहीं होते तब तक हमारा माइनस होने का चांसेस रहता है। तो अभी 7 ब्रॉलर हैं बचे हुए, तो देखते हैं कितना देर तक और बचते हैं। और 6 ब्रॉलर लेफ्ट, तो थोड़ा नोट जैसा खेल रहे हैं पर ये पुशिंग करने का बेस्ट ट्रिक है। तो आप लोग भी जो पुशिंग करते हैं उसे पता होगा। तो 5 ब्रॉलर लेफ्ट हो गए हैं और अब मेरा माइनस नहीं होगा। तो शोडाउन में यही खासियत है अदर मैप के कंपेयर में। तो 5 ब्रॉलर लेफ्ट और पॉइनस क्लाउड हमारे सामने आ गया, तो हम थोड़ा सा यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं पर सामने वो है, यहाँ भी कोई हो सकता है छिपा हुआ। यहाँ कोई नहीं है, तो सामने एक ब्रॉक है। ब्रॉक का डैमेज हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा, अगर वो 2 शॉट सी देगा तो हमारा पूरा हेल्थ कम हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा से खेलना पड़ेगा। तो 4 ब्रॉलर लेफ्ट और ये लैगिंग के वजह से सर्वर इशू है। मेरा नेट कनेक्शन तो बहुत बेस्ट है पर ये लैगिंग हो रहा है, तो थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा क्योंकि अभी ब्रॉक बहुत ज़्यादा हम मुझे परेशान कर रहा है। तो ब्रॉक को मार दिया है, तो ये डेरियल मर जाए तो अच्छा है, हमें +2 ट्रॉफी मिल जाएगा। और डेरियल ने उसके ऊपर पुश कर लिया तो #1 गाइस, तो देख सकते हैं इजीली #1 हो गया इस मैप में और +7 ट्रॉफी। तो हम फिर से करते हैं और 1-2 मैच खेलेंगे और पता चल जाएगा कि हमें कि स्पाइक का कितना पावर है लीजेंडरी ब्रॉलर होकर। तो मुझे स्पाइक तीनों लीजेंडरी में से सबसे अच्छा लगता है, उसके बाद क्रो, उसके बाद सबसे लास्ट में लियोन, क्योंकि लियोन को बहुत ज़्यादा नर्फ दे दिया है सुपरसेल ने और अभी भी नर्फ मिलते हैं उसे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। क्रो भी इस मैप के लिए ठीक है। तो मैं सामने एक सैली है, सैली को थोड़ा डैमेज और वो उसके ज़्यादा सामने जाना ठीक नहीं होगा, तो गई सैली। तो देख सकते हैं स्पाइक का एबिलिटी बहुत बेस्ट है ब्रॉलर, इसीलिए मुझे लगता है ये। तो अभी 7 ब्रॉलर लेफ्ट और सामने एक पाइपर है, तो पाइपर से हम नहीं भिड़ने जाएंगे क्योंकि वो हमें 2 शॉट्स में मार देगी। तो 6 ब्रॉलर लेफ्ट हैं और अभी हमारा माइनस होने का चांसेस है कुछ। तो 5 ब्रॉलर लेफ्ट और अब मेरा माइनस नहीं होगा, पर अगर कोई ब्रॉलर मार दिया तो प्लस भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो जब तक 3 ब्रॉलर नहीं होते हैं तो सामने वाले ग्रासेस में कोई हो सकता है। 3 ब्रॉलर लेफ्ट और एक कोल्ट है, एक और कौन हो सकता है, तो शायद इस साइड में, इस कॉर्नर में, हाँ इधर ही है एक और कोल्ट। तो कोल्ड से बच के हमें थोड़ा अच्छा सब पुश करना है, तो ये कोल्ड मार जाना चाहिए बस। मार दो कोल्ड, 9 लेवल 9 एनर्जी क्यूब है इसके पास, तो इसे हम शॉट्स नहीं देंगे क्योंकि वो हमें अगर मारा तो फिर एक बार में ही पूरा लाइफ ख़त्म। और
ये मुझे क्यों टारगेट करने लगा? तो नहीं पता, शायद टीम अप हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है आखिर में। तो #2 करने का कोशिश करेंगे गाइस, #1 तो नहीं होगा। #3 तो यहाँ टीम अप हो गया था जिसके कारण मैं #2 कर गया, नहीं तो #3 किया सॉरी, +4 ट्रॉफी और फिर से हम प्ले गन कर देते हैं। देखते हैं इस बार कितना होता है। और आप लोग को जो ब्रॉलर पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 10 प्लेयर फाउंड हो गए हैं और हमें एक एनर्जी क्यूब बिजली मिल जाएगा। तो एक और शॉट, तो एक कभी कभी जल्दी टूट जाता है और कभी कभी थोड़ा टाइम लगाता है ये। तो एक शॉट शॉर चाहिए, तो 8 ब्रॉलर लेफ्ट है अभी फिलहाल में, तो थोड़ा सावधानी से खेलना पड़ेगा क्योंकि माइनस होने का चांसेस अभी भी है। और सामने कोल्ट और पोको है, तो 8 ब्रॉलर लेफ्ट है, थोड़ा हाई डम रहते हैं जब तक कुछ ब्रॉलर मर ना जाए। तो एक स्पेक्टर भी हमारा कोई आ गया है, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। अभी तक मैं सिर्फ एक या दो बार ही आया हूँ ब्रॉलर टीवी में, आप लोग कितना बार आए हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी तो कुछ दिन से मैं नहीं आ रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में ब्रॉलर टीवी आया था उसी समय मैं आया था, एक दो बार, हाँ दो बार आया था मैं ब्रॉलर टीवी में। तो देखते हैं क्या होता है अब। 7 ब्रॉलर लेफ्ट और ये पोपो मेरे ही साइड बढ़ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा दूर हो जाना ही ठीक है। तो इधर एक मर जाए तो ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा माइनस करा देगा मेरा। उसे हम डैमेज नहीं देंगे क्योंकि वो अगर हम एबिलिटी यूज करें तो मेरे पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तो मैं एबिलिटी से उसे पीछे भगा रहा हूँ, पर देखते हैं क्या होता है। 6 ब्रॉलर लेफ्ट और माइनस होने का चांसेस अभी भी है, तो 5 ब्रॉलर लेफ्ट हो गए हैं और अब माइनस होने का चांसेस नहीं है। तो #2 हो जाएगा मुझे लग रहा है जहाँ तक। तो #2 और देख लेते बैक करके कि आज का हमारा पुशिंग कितना रहा स्पाइक से। तो 340 ट्रॉफी हो गया स्पाइक का, 10 टोकन्स मिलेंगे और शायद क्यूब भी है। +17 आज का हमारा स्पाइक से रहा 3 मैचेस में, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, दो बार टेप टेप आएगा तो हम करेंगे। तो कुछ नहीं मिला, ब्रॉलर अभी फिलहाल में तो हमें नहीं मिला है, और टेप टेप एक बार और, तो इस बार भी नहीं मिला। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों में से किसी को कोई ब्रॉलर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए।